ये फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटन खिचड़ा। उसके लिए मैंने लिया है 4 टाइप्स ऑफ दाल, मूंग, तुअर एंड मसूर 100 ग्राम्स और उड़द दाल 150 ग्राम्स। इसे मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया है। अब मैं लूँगी 3 to 4 whistles और इसे कुक कर लूँगी। अब मैंने लिया है 1 kg खिचड़ा गेहूँ, जिसे मैंने सोक कर लिया ओवरनाइट। अब इसमें मैं प्रेशर कुकर करूँगी, ऐड करें वाटर और सॉल्ट। अब एक पतीली में मैंने ले लिया है 3 to 4 liters ऑफ वाटर, उसमें मैं ऐड करूँगी 1.5 teaspoon हल्दी। अब ऐड करें सॉल्ट। अब हम बनाएंगे मटन का मसाला, जिसके लिए मैं डालूंगी 1 cup घी, 1/2 cup oil, ऐड कीजिए 10 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऐड करेंगे 4 teaspoon धनिया पाउडर, 3 teaspoon रेड चिली पाउडर, 2 teaspoon जीरा पाउडर, 2 teaspoon हल्दी, सॉल्ट, 2 teaspoon गरम मसाला। अब ऐड किया मैंने 2 kg जितना मटन विद बोन। अब ऐड करेंगे 4 to 5 चॉप टमेटोज और अब हम इसे लेंगे 2 से 3 whistles। अब दाल हमारी अच्छे से कुक हो, अब इसे हम इस बॉटम में ऐड कर देंगे। अभी ऐड करेंगे चॉप ग्रीन चिली। अब ऐड करेंगे 1/2 kg स्लाइस्ड अनियंस, करेंगे मिक्स। अब ये हमारा खिचड़े का गेहूँ कुक हो चुका है, इसे करेंगे हम अच्छे से ब्लेंड। अब हम इसे ऐड कर देंगे वाटर में और अच्छे से कुक करेंगे। अब इसे कंटिन्यूसली हम स्टर करते जाएंगे जब तक बॉईल ना आ जाए और थोड़ा सा सब चीज़ें मैश होके कुक ना हो जाए। अब यह मटन हमारा अच्छे से हो गया है कुक, अभी हम इसे ऐड करेंगे खिचड़ा मिक्स में। खिचड़े को 2 से 3 आवर्स तक हम कुक करेंगे जब तक थोड़ा थिक ना हो जाए। अब मैं खिचड़े को बघारूंगी, इसके लिए मैं 1/2 teacup घी लूंगी। अब ऐड करें जीरा 2 teaspoon, ऐड करें जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब ऐड करें चॉप पुदीना। अब इस बघार को हम खिचड़े के ऊपर पो कर देंगे, अच्छे से करेंगे मिक्स। अब ऐड करें चॉप कोरिएंडर, अब देंगे कोयले का धुंगार।